मेरी पूर्व में कोई तैयारी नहीं थी, ना तैयारी होने के कारण एक चुनाव में रण में उतर जाना जिसमें पार्टी ने पूरी तरह सहयोग किया और चुनाव लड़े भी और अच्छी खासी हमने वोट अर्जित की, 61,000 वोट हमने पाए। पर चूंकि डायरेक्ट फाइट होने के कारण कांग्रेस के साथ हमारी हमको परास्त का सामना करना पड़ा। पर अब जो मेन इलेक्शन है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो परास्त हुई थी उपचुनाव में इस बार प्रचंड मतों के साथ जीत कर आएगी। देखिए, व्यक्तिगत लगाव होता है, जनता का लगाव होता अपने नेता के साथ और उनके विधानसभा में भी उनसे जो लोग लगाव रखते हैं उनके लिए काम करेंगे, वो उनका है, विधानसभा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरी विधानसभा में, चूँकि निवास उनका कचनार में है और वो मेरी विधानसभा में आता है, तो निश्चित तौर पर जो लोग उनसे जुड़े होंगे अगर वह क्या कहते हैं पर्सनली उसमें दबाव डालेंगे तो कुछ लोग जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूँ आपके साथ योगी तारा। हमारे साथ इस वक्त प्रतिमा बागरी हैं। प्रतिमा बागरी एक बार फिर रैगांव विधानसभा से भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। 2021 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी भाजपा ने प्रतिमा बागरी पर ही भरोसा जताया था। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या रणनीति है, पिछली बार क्या गलतियां हुई जिनसे उनको अब सीख लेने की ज़रूरत है। एमपी तक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, एक बार फिर भाजपा ने भरोसा जताया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस पार्टी होती है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता निरंतर जब पार्टी के लिए काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्यकर्ता पर पार्टी भरोसा करती है। और मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने एक बार फिर से पुनः इस छोटे से कार्यकर्ता को मौका दिया है चुनाव लड़ने का। चूँकि उपचुनाव में मैं चुनाव लड़ी और एकदम से चुनाव की सीट घोषित हुई और मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मेरी पूर्व में कोई तैयारी नहीं थी, ना तैयारी होने के कारण एक चुनाव में रण में उतर जाना जिसमें पार्टी ने पूरी तरह सहयोग किया और चुनाव लड़े भी और अच्छी खासी हमने वोट अर्जित की, 61,000 वोट हमने पाए। पर चूंकि डायरेक्ट फाइट होने के कारण कांग्रेस के साथ हमारी हमको परास्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मेन इलेक्शन है और इसमें हर पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और व्यक्ति विशेष देखें तो हमारे यहाँ सतना ज़िले में बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी वोट हैं और बाई इलेक्शन में ये पार्टी नहीं लड़ी थी, डायरेक्ट फाइट हुई थी। पर अब जो मेन इलेक्शन है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो परास्त हुई थी उपचुनाव में इस बार प्रचंड मतों के साथ जीत कर आएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यादवेंद्र सिंह जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में गए हैं कांग्रेस से छोड़कर, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे आपकी विधानसभा में? जी, देखिए, व्यक्तिगत लगाव होता है, जनता का लगाव होता अपने नेता के साथ और उनके विधानसभा में भी उनसे जो लोग लगाव रखते हैं उनके लिए काम करेंगे, वो उनका है, विधानसभा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरी विधानसभा में, चूँकि निवास उनका कचनार में है और वो मेरी विधानसभा में आता है, तो निश्चित तौर पर जो लोग उनसे जुड़े होंगे अगर वह क्या कहते हैं पर्सनली उसमें दबाव डालेंगे तो कुछ लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं व्यक्तिगत हमारी विचारधारा से, मेरे आचार विचार से लोग प्रभावित हैं और जो लोग प्रभावित हैं उनको अपने विधानसभा में, रैगांव विधानसभा में विधायक बनाना है, तो निश्चित तौर पर जब चयन करने की बारी आएगी तो वह उस प्रत्याशी का चयन करेंगे जो उनके सुख दुख में हमेशा सम्मिलित रहा हो, खड़ा रहा हो, जो व्यक्ति उनसे निरंतर संपर्क में रहा हो, जिस व्यक्ति ने चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा और जनता के साथ संपर्क में रहा हो। तो जनता जनार्दन आज के समय में बहुत स्मार्ट है और वह उस व्यक्ति का चयन करने में कभी पीछे नहीं हटेगी जो उसके साथ खड़ा है, जो जनप्रतिनिधि बनने के लायक है। पार्टियां निश्चित तौर पर होती हैं पर व्यक्तिगत अपना स्नेह और लगाव भी होता है लोगों का और वह लगाव है। चुनाव हो रहे हैं तो किस तरह से चुनाव अलग होगा? देखिए, बाई इलेक्शन बहुत अलग होता है और ये मेन इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में पूरी पार्टी का फोकस रहता है और जिसमें जनता जो है, आम जनता जो है,
बहुत ज़्यादा कहते हमारे जो कार्यकर्ता होता है पार्टी, वो जनता के बीच नहीं जा पाते, लेकिन ये जो मेन इलेक्शन है इसमें पूरी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो एक एक कार्यकर्ता जो है अब ग्राउंड लेवल पर है और जनता के बीच जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएँ हमारी सरकार ने इतनी सारी चलाई हैं कि वह जन्म के पूर्व से शुरू होती हैं और हमारे अंत के बाद तक की ऐसी योजनाएँ हैं और जिसका भरपूर मात्रा में जनता लाभ ले रही है और आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर इससे छवि बनती है और ये 2023 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत अच्छा भी है। निश्चित तौर पर हम विजयश्री हासिल करके और आएंगे। अच्छा, उपचुनाव के दरमियान जब शिवराज जी की जन दर्शन यात्रा निकली थी उस समय बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आरोप है कि बहुत सारे वायदे उनमें से कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, तो क्या इसको लेकर आपको नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप उस सूची को उठाकर देखिए जो घोषणाएं सीएम साहब ने की थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर सीएम साहब से मिली उपचुनाव हारने के बाद भी, और मैंने हर बार उनसे मिला तो आग्रह यही किया कि जो उन्होंने घोषणाएँ की थी उन घोषणाओं को पूरा करें। और आप विधानसभा में जाइए, लगभग 95% घोषणाएँ जो हैं उन्होंने पूरी की हैं। आप जाएंगे, रोडों का मामला था, कॉलेज का मामला था, तहसील का मामला था, थाने का मामला था, ये सब आ चुका है, जिन पे काम हुआ है। ऑलमोस्ट काम की कोई 70% कंप्लीट है, कोई 90% कंप्लीट है, कोई 80% कंप्लीट है। ऐसी स्थिति में काम भी है, बहुत सी रोडें हैं बन चुकी हैं, पावर सब स्टेशन है 5-5 है जिसमें 2-3 कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 पे काम लगा है, ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट है। ये गलत होगा कहना कि उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो नहीं की है। आप जाइए तो आप क्षेत्र में पाएंगे कि उन्होंने अपनी घोषणाओं को पूरा किया। अच्छा, जिस तरह से संगठन काम कर रहा है भाजपा का, तो 2021 के उपचुनाव से कुछ सबक लिया है क्या? इस बार आपकी रणनीति रहेगी किस तरह से आप मतदाताओं के बीच में जाएंगी? जी, वो रणनीति हमारी तय हुई थी और 15 बिंदुओं के साथ हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसका फल हमको मिलेगा। चलिए, भविष्य की शुभकामनाएं आपको। तो ये हैं प्रतिमा बागरी, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रैगांव की प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और कुछ भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया।